आप इधर बैठो आ जाओ एक यहाँ थैंक यू नया साल की मुबारकबाद देता हूँ इस बार गैदरिंग पहला बार देखें बहुत दिन के बाद फ्रेंड्स जैसा कि हम सब जानते हैं कि 7 तारीख को जो एक दुखदपूर्ण घटना घटी है जिसमें पंजाब के 2 मजदूर मारे गए उस केस को श्रीनगर पुलिस ने बहुत प्रोफेशनल ढंग से सॉल्व कर लिया है और उसमें जो आदिल मंजूर श्रीनगर का ही है जाल नगर का है जो इन्वॉल्व था मेन एक्यूज़र जिसने फाइट किया है जिसको पाकिस्तान के हैंडलर ने ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू एक्टिवेट किया मोटिवेट करके उसको श्रीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वेपन ऑफ ऑफेंस जो है ये रिकवरी हो गया है। DIG सेंट्रल कश्मीर ने एक SIT गठित की है जो तफ्तीश को प्रोफेशनल ढंग से किया जा रहा है। इसमें मैं IG साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिटेल में आपको पढ़ के सुनाएंगे। मैं हिंदी में ही बोल दूंगा आपको। जैसा कि आप जानते हैं गुज़िश्ता 7 फरवरी को एक दर्दनाक हादसा पेशरफ्त हुआ था जिसके तहत एक शाला कदल शहीदगंज इलाके में 2 पंजाब के जो बाशिंदगान हैं अमृतपाल और रोहित मासी उन पे एक टेरर अटैक हुआ था और दोनों जो हैं उसमें फोत हो गए थे वो दे सकम टू द इंजुरीज। इसमें कहने की बात यह है कि अमृतपाल और रोहित यहाँ पे एक कारपेंटर और वुडवर्क के काम से वाबस्ता थे और अपने घर से उसी दिन अपने यहाँ पे जो उनका डेरा था शहीदगंज में उसकी ओर वापस आ रहे थे। तो इसी सिलसिले में FIR नंबर 8/2024 पुलिस स्टेशन शहीदगंज में दर्ज हुआ जेरे दफ़ा 302-307 और रेलिवेंट सेक्शन ऑफ UAPA एक्ट में। और इसके बाद ये दोनों जो हैं श्रीनगर पुलिस ने काफ़ी मुस्तैदी से और प्रोफेशनल तरीके से इसमें एक टीम का गठन किया गया फील्ड और टेक्निकल एनालिसिस किया गया जिसमें काफ़ी मेहनत गई और उस दौरान काफ़ी क्लिंचिंग एविडेंस उनके पेशरफ्त हुए और इन क्लिंचिंग एविडेंस के आधार पे इन्होंने कुछ सस्पेक्ट्स राउंड अप करे। इसी असना में जो मेन कल्प्रिट है इसमें जो इन्वॉल्व है जिसका नाम है आदिल मंजूर लंगू जो कि जालडगर श्रीनगर का ही रहने वाला है उसका रोल उजागर हुआ और क्लिंचिंग एविडेंस के आधार पे उसको अरेस्ट किया गया। इसमें जो है ये मेन सस्पेक्ट जो था जो कि मेन एक्यूज बना बाद में उसने कॉन्स्पिरेसी करी ही वॉज इन कॉन्टेक्ट विद हिज हैंडलर अक्रॉस इन पाकिस्तान एंड ही हैज इम्प्रेस्ड अपॉन हिम टू डू सम टेरर अटैक हेयर इन श्रीनगर। वेपन ऑफ ऑफेंस वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाई हिम टू दिस फेलो हु लेटर ऑन कंडक्टेड दिस टेरर अटैक ऑन 7th of February। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो वेपन ऑफ ऑफेंस है दैट हैज़ बीन रिकवर्ड नाउ और इसमें DIG सेंट्रल कश्मीर ने एक SP साउथ की कयादत में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है और वो इस इन्वेस्टिगेशन को मुस्तैदी से अंजाम ला रही है और हमें आशा है कि इसमें शीघ्र जल्द से जल्द इसको केस को चार्जशीट करेंगे फॉर द जुडिशियल डिटर्मिनेशन। थैंक यू। इसमें मैं आप लोग से 2 पॉइंट बोलना चाहूँगा जो बहुत रिलेवेंट है कि जो इस टाइप के मॉड्यूल को यहाँ पर लड़कों को रिटर्नाइज करके भर्ती कराता है फिर इंसिडेंट करवाता है ऐसे हैंडलर को चाहे पाकिस्तान में हो या किस वर्ल्ड के किसी कोना में उसको हम लोग प्रोफेशनली ढंग से कानूनी तौर पर लाएंगे यहाँ पर लाएंगे। अगर ये हैंडलर लोकल ही है पाकिस्तान में है तो उनके घरवाले के खिलाफ उनके प्रॉपर्टी पर जब्त किया जाएगा हार्ड से हार्ड एक्शन लिया जाएगा। दूसरी पॉइंट है जो मैं यहाँ के आवाम से खास करके पेरेंट्स से अपील करता हूँ और टीचर कम्युनिटी से अपील करता हूँ कि आपके अगर कोई ऐसे लड़के लगते हैं कम एज वाले जो सोशल मीडिया के थ्रू रेडिकलाइज हो रहा है उनका बिहेवियर पैटर्न में कोई चेंज हो रहा है गलत टाइम पर ऑफ और टाइम पर जाकर दोस्तों से मिलता है तो पुलिस को बताएं और अपना भी ख्याल रखें क्योंकि इस टाइप का जो हैवी टेररिस्ट होता है रेडिकलाइज होता है घर वाले को पता नहीं चलता है टीचर को पता नहीं चलता है और बाद में जाकर इंसिडेंट करता है। आज के ज़माने में डिजिटल वर्ल्ड में उसको बच रहना मुश्किल है। हम लोग हर एक मॉड्यूल को बस्ट करते आ रहे हैं इसको भी किए हैं आगे भी इंसिडेंट को उसको बस्ट करेंगे और हार्ड से हार्ड पनिशमेंट दिया जाएगा कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट के थ्रू। इसलिए मैं पेरेंट्स से फिर अपील करता हूँ एक बार अपने बच्चों पर ध्यान रखें सोशल मीडिया के थ्रू क्या करा नहीं करा उसको देखें उनका ड्यूटी है
और टीचर्स का इसकी ड्यूटी यही है। देखिए कहीं कभी पुलिस हो और डिफरेंट मॉडल पर काम करते रहती है, कभी कभी होता है कि 10 मॉडल काम कर रहा है उसमें हम 5 के 6 को पकड़ लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं, 2-3 मिस हो जाता है जिसका पता नहीं चलता हम लोग का, ये प्रोफेसर हजार्ड है, ऐसे मॉडल इंसिडेंट करने में कामयाब हो जाते हैं। ये सिंगल मॉडल के तहत किया गया था, लेकिन पुलिस अभी भी बहुत सारे मॉडल पर काम कर रही है, इसी चलते प्रिवेंटिव मेजर हम लोग ले पाते हैं, इंसिडेंट को रोक पाते हैं, उस मॉडल जो काम कर रहे हैं उसको हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं। इसे देखिए पुलिस की प्रोफेशनलिज्म और उनका जो हार्ड वर्क इसी से रिफ्लेक्ट होता है कि किस ढंग से जल्दी इसको हम लोग क्रैक कर लिए, मॉडल को बस करके अरेस्ट किया गया है। मैंने आपको पहले भी कह चुका हूँ कि अगर कहीं पर डिफरेंट मॉडल काम करता है तो पुलिस बहुत को रोक पाते हैं, बहुत को पकड़ पाते हैं, एक दो स्लिप हो जाता है, ये प्रोफेसर हजार्ड है वही मॉडल वाला इंसिडेंट करने में कामयाब जाते हैं, इसमें भी यही हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि कितना अच्छा इसको जल्दी टाइम पर इसको सॉल्व किया गया है। जहाँ तक प्रीवियस इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारे एक पुलिस शहीद हो गए थे बीमना साइड में, उसको श्रीनगर पुलिस ने बहुत ढंग से प्रोफेशनल ढंग से क्रैक करके अरेस्ट कर लिया, सॉल्व कर लिया। हमारे शहीद मसूर साहब वाला केस अभी जेल तफ्तीश है, एनआई को दिया गया है, उसमें पुलिस भी बहुत उसको सपोर्ट करी, एनआई को पुलिस एनआई मिलके उसमें लोग बहुत सारे लीड मिला है, काम अभी शेयर नहीं कर पाएंगे, जब उसको सॉल्व कर लेंगे फिर आपसे शेयर किया जाएगा। और जहाँ तक आपने बोला कि जो सही बात है, श्रीनगर सिटी में एक मोमिन एक लोकल टेरिस्ट बच गया है और यहाँ पर खात्मा हो गया, सारे मॉडल का हो गया, लेकिन फिर भी जो इस टाइप का जो मॉडल है मॉडल बेस्ड जो टेररिस्ट से इंसिडेंट करवाते हैं पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर, उसका उनका तो रहेगा यहाँ पर हम लोग का, लेकिन इसीलिए हम लोग बार बार उस पर काम दिन रात काम कर रहे हैं। इसमें हम लोग एजेंसी जो है जो हमारे सिस्टर एजेंसी उनसे भी हेल्प लेते हैं, हम लोग CID हो चाहे आई बी हो चाहे IDW उनसे भी हेल्प लेते हैं, सारे मिलके इस पर हम लोग लगे हैं। इस पर जैसे आज आपने बता दिया कि आदिल मंजूर एक अरेस्ट हुआ है, बिल्कुल हम लोग बहुत सारे सस्पेक्ट को उठाए थे, उसको जब तफ्तीश किया गया तो इसमें मैंने क्यों यही पकड़ा गया। देखिए जैसा आप जानते हैं डिजिटल डिवाइस को हम लोग फॉरेंसिक लैब में भेजते हैं, जब वहाँ से डाटा आएगा तब शेयर करेंगे, तफ्तीश का मैटर नहीं कर सकते हैं। पिस्टल मिला है उसमें, अब बता दिया जैसे आप डिटेल। सर जो पाकिस्तान में अभी हो रहा है इंटरनल, वहाँ काफी कुछ हो रहा है, हमने देखा है उसका असर हमेशा कश्मीर में होता है टेंशन डाइवर्ट करने के लिए, आपको लगता है कि ऐसे कोई इनपुट्स हैं कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा गर्म करें हालात या अपने स्लीपर सेल्स एक्टिवेट करके टेंशन डाइवर्ट हो, ऐसा कुछ हो सकता है? वन टू वन शेयर करेंगे, पब्लिक डोमेन में शेयर करना ठीक नहीं है। श्रीनगर में 2 साल से कोई इनकाउंटर नहीं हुआ, बट हिट एंड रन जो केसेस है वो 5-6 आ गए हैं श्रीनगर सिटी में। देखिए एक सच्चाई है जो हम सबको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, 2020 में एक महीना में सिर्फ 48 टेरिस्ट मारा गया था, आप लोग दिन रात जगह रहते थे पूरा, उस टाइम नंबर बहुत था, अभी पूरे कश्मीर में टोटल आपको 25 लोकल टेरिस्ट बच गया है और 25-30 FT है, टेरिस्ट जो भी है भी तो हाई रिजेज पर बैठे हैं, भाग गया तो टेरिस्ट का नंबर बहुत ड्रास्टिक कम हो गया, तो इनकाउंटर भी कम हो गया, फिर भी इनकाउंटर्स हुए हैं। लास्ट देखे आपकी कुलगांव डिस्ट्रिक्ट में एक जगह ही 5 टेरिस्ट मारे गए थे, और अभी हम लोग ह्यूमन इंट पर बहुत फोकस कर रहे हैं, पुलिस सारे डिस्ट्रिक्ट SP लगे हुए हैं, कार्गो भी लगा हुआ है, ऑपरेशन आने वाले दिन में अच्छे ऑपरेशन पाइपलाइन में होंगे ऑपरेशन। इस केस में जो अभी तक आपसे सुना सोशल मीडिया का रोल है, व्हाट इज बीइंग डन टू डिस्ट्रैक द सोशल मीडिया और उसका यूज और उसका इन्फ्लुएंस, उस पे प्लीज क्या? देखिए पुलिस जो कर रही है पिछले 4 साल से आप लोग शेयर कर रहे हैं, आप सब पता है, लेकिन मैंने इसमें जो मेन एस्पेक्ट को आप मिस कर रहे हैं, मैंने पेरेंट्स से अपील किया, मैं टीचर कम्युनिटी से अपील कर रहा हूं कि आप बच्चे जो हैं अगर सोशल मीडिया को यूज करने के बाद उसके बिहेवियर पैटर्न में चेंज आ रहा है। जैसे आप सबको पता होगा कि 2021 में जब एक बैंक मैनेजर को हैवी टेरिस्ट मारा था, शोपियन डिस्ट्रिक्ट का लड़का था, और जब उसको पेरेंट्स से बात किए तो मैंने पर्सनली बात किया तो उन्होंने कहा था कि जब लड़का मेरा रात में भरवा सोता था वो ऑनलाइन काम करते रहता था, तो इस टाइप के अगर बिहेवियर पैटर्न में चेंज है तो पेरेंट्स को थोड़ा अलर्ट होना चाहिए, वो खुद बात कर रहे हैं या पुलिस का मदद ले, और आज की डेट में पब्लिक और पुलिस में इतना ट्रस्ट बढ़ गया कि हम लोग उसी के बदौलत बहुत सारे लड़कों को
ज्वाइन करने से रोक पाए, कुछ लड़के जो ज्वाइन कर लिया तो उसको वापस भी लाए हैं। तो सोशल मीडिया वाला एस्पेक्ट है, इसमें पेरेंट्स टीचर का ज़्यादा रोल बनता है। अगर आपके भी पड़ोसी को है, आपके भाई हो या कोई आसपास के हो, तो आप लोग को जिम्मेदारी बनता है, ये पेरेंट्स को बात बताएं आप लोग। विजय साहब, यहाँ इंसिडेंट अटैक मोटिवेटेड बाय सम आइडियोलॉजी और इट वाज सम काइंड ऑफ अ हाइड गन व्हिच वाज। देखिए, जो आदिल मंजूर का जब लोग बैकग्राउंड खंगाले पूरा उसको देखें, तो कोई पिछला बैकग्राउंड नहीं है, इसकी फैमिली में किसी का नहीं है, तो सोशल मीडिया के ये थ्रू ये मोटिवेट हुआ, रेडिकलाइज हुआ है, पाकिस्तान हैंडल ने किया है और इसको काफ़ी प्रेसराइज भी किया। जैसा कि पहला इसको जनवरी में प्रेसराइज किया था, 4 तारीख को जब इसको पिस्टल दिया, 4 जनवरी को बोला तुम जल्दी इंसिडेंट करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊँगा। जहाँ तक कि जो ये जाता था मौसम में नमाज पढ़ने के लिए, अलहदी सेक्ट के तरह उनका झुकाव था उनका। सर, सब समर्स में जब कोकाना एनकाउंटर हुआ तो बात ये आई थी कि जो डोमिनेशन है आपकी मतलब सिटी एरियाज में, अर्बन एरियाज में, तो जो मिलिटेंट है वो जंगलों की तरफ जा रहे हैं, मतलब नई स्ट्रेटजी है ताकि एक लेवल फील्ड हो जब गन फाइट भी हो और छुपना बचने का चांस हो। तो विंटर्स में जो है काफी मुश्किल हो जाता है जंगल में रहना, मतलब काफी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है, सर्दी है, तो इस बार क्या नीचे नहीं आए हैं वो, जैसा हम लोग जानते हैं कि पिछले अगर 30 साल का देखे डाटा तो ऊपर भी बहुत सारे हाईडोट पर इनकाउंटर हुआ है, तो कुछ तो हाईडोट में होंगे जिसका हमें खबर नहीं है। हम लोग अपना ह्यूमनिटी डेवलप कर रहे हैं, जो कारपेंटर लोग हाईडोट बनाते हैं उनसे भी कंसल्ट कर रहे हैं। कुछ एप्रीहेंशन है कि अभी भी जंगल में है पूरा, अगर कुछ नीचे आ गया तो उसका हम लोग का खबर मिल रहा है, हम लोग उसको और डेवलप कर रहे हैं, जिस दिन इनपुट डेवलप पूरा हो जाएगा तो ऑपरेशन लॉन्च करेंगे हम लोग। देखिए, कश्मीर के सिचुएशन में, जे एंड के सिचुएशन में, या कहीं भी इलेक्शन हो किसी स्टेट में, जो क्राइम होता ही है, यहाँ टेरर क्राइम है, बाकी जगह नॉर्मल क्राइम होता है, तो लेकिन उसके लिए इस टाइप के अप्रिहेंशन हरदम पुलिस को आती है और हम लोग इनपुट के बेसिस पर काम करते हैं। अगर कहीं पर किसी को थ्रेट मिलता है तो थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने का ट्राई करेंगे, चाहे उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने को हो, एडीआर डोमेट करके हो, या वेजिस्ट मॉड्यूल बस चढ़ के हो, या ऑपरेशन करके, ये कार्रवाई हम लोग जारी रखते हैं, आगे भी रखेंगे। थैंक यू।